देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कार्यक्रम में पहुंचते हुए दो फ्लाईओवरों व तीन बड़ी सड़कों का शिलान्यास के साथ ही किसानों को चेक वितरित किए। आपको बता दें कि काशीपुर में लंबे समय से यातायात व्यवस्था से जूझ रहे स्थानीय लोगों व यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए आज सुबह के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जहां उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जनपद के 12,000 किसानों को 2% ब्याज पर 1-1 लाख रुपए तक के चेक वितरित किए। वहीं हाईवे पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 2 फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए लगभग 125 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सीएम रावत ने किसानों को फोकस करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार कई योजनाओं को धरातल पर लाने जा रही है, जिससे जनपद और प्रदेश का किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कही थी और हमने इस और विशेष कदम बढ़ाते हुए भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये राज्य में अगर आप हड़तालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो हड़ताली राज्य में उत्तराखंड नंबर 1 पे रहा है, और अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो आपके सामने आंकड़े अपने आप आ जाएंगे कि आज राज्य में हड़तालें कितने कम हुई हैं इन 10 महीनों में। हमने सभी मंत्रियों से कहा है कि जो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनसे आप समय समय पर मिलते रहिए और उनको हड़ताल करने की आवश्यकता न पड़े, उनकी समस्याओं का जो समाधान है, जो हो सकता है, जो जायज मांगे हैं उनको समय पर पूरा किया जाना है, सरकार का दायित्व है। दिल्ली सरकार के कार्यकाल में सारा घोटाला हुआ है और अब तक हमारे 14 व्यक्ति या कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भी आप लोग कहेंगे अभी तक जेल के अंदर जा चुके हैं। अभी आधी जांच हुई है, आधी जांच बाकी है और लगभग 185 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सरकार की जो भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।